अस्सलाम वालेकुम जी, काफ़ी दिनों के बाद जो है दोबारा आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। लेट की वजह ये थी कि मैं उमरे पे गया हुआ था और वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई भी है और ज़्यादा डिटेल में तो उमरे में मैं नहीं बना सका, क्योंकि मैंने सोचा कि उसका जो एसेंस है वो ना ख़त्म हो जाए, जिस काम के लिए हम वहाँ पर गए हैं वो ही ना ख़त्म हो जाए। तो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई भी, आप किस तरह बाई रोड जा सकते हैं, क्योंकि हम बाई रोड गए थे, आप किस तरह बाई रोड यहाँ से जा सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बता दी है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड जल्दी कर दूँगा। आज जो नई इन्फॉर्मेशन लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ वो है जी दुबई के बारे में, और जो नई इन्फॉर्मेशन वो है दुबई अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप सब ने सुना होगा, मैं भी वापस आया हूँ तो पता चला है कि 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो गई है दुबई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। मतलब कि अगर किसी की जॉब नहीं रहती, जैसे नाम से ही जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, अगर किसी की जॉब नहीं रहती यहाँ पे तो दुबई गवर्नमेंट जो है वो उसको पे करेगी। तो क्या उसको लिटरली पे करेगी या नहीं करेगी, ये तो जब वक्त आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो मैंडेटरी है या है या नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जी, जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है ये अब सब के लिए मैंडेटरी है, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या वो यहाँ के सिटीज़न हैं या लोकल हैं या रेजिडेंट्स हैं, सब के लिए अब ज़रूरी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को रजिस्टर करें। उसकी जो लास्ट डेट है वो June 20 है, आपको डेट किसी जगह से पता नहीं चली होगी, तो जो कन्फर्म डेट है वो June 20 है। June 20 से पहले पहले हर बंदे ने अपनी इंश्योरेंस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करवानी है। अगर June 20 के बाद करवाएंगे तो आपको 400 दिरहम फ़ाइन आएगा, और वो जो फ़ाइन है वो आपके प्रीमियम के अंदर ही प्लस हो जाएगा, तो आप उसको आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 महीना लेट हो जाते हैं तो आपको हर महीने, मतलब अगर आपने पिछले 6 महीने की इंश्योरेंस नहीं करवाई और जून में के बाद करवाई, तो 400 तो जून के बाद का फ़ाइन, और जो हर महीने का प्रीमियम है उसमें 200 दिरहम एक्स्ट्रा फ़ाइन भी आ सकता है, जो अभी की न्यूज़ है। शायद ये 200 दिरहम फ़ाइन ना आए, टोटल आपको सिर्फ 400 फ़ाइन ही आए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो उसकी क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने 2 क्राइटेरिया बना दिए हैं। एक क्राइटेरिया जो है वो है वो बंदे जिनकी जो बेसिक सैलरी है वो 16,000 से कम है, दूसरा क्राइटेरिया वो है जिनकी बेसिक सैलरी 16,000 से ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो 16,000 से कम वाले बेसिक सैलरी वाले लोग हैं। तो जो 16,000 से कम बेसिक सैलरी वाले लोग हैं उनका जो प्रीमियम आएगा वो 5 दिरहम मंथली आएगा, और जो 16,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी वाले लोग हैं उनका प्रीमियम 10 दिरहम मंथली आएगा, और जो 5 दिरहम वाले हैं ये आप मंथली भी पे कर सकते हैं या आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं और ईयरली भी पे कर सकते हैं। अगर आप मतलब यानी कि आप एक साल में एक ही दफ़ा सारे पैसे 60 दिरहम मिलते हैं विद वैट, कुछ वैट इसके ऊपर लगता है, वो आप एक साल में इकट्ठा भी पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मंथली भी पे कर सकते हैं। तो प्रीमियम मिलेगा किस तरह की, और ये मतलब आप इंश्योरेंस को क्लेम किस तरह करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए कि अगर आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया तो ये आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको इसलिए निकाला कि आप किसी डिसिप्लिनरी इशू के तहत अंदर आते हैं, या आपने कोई किसी को गाली दी या कोई लड़ाई की या केस के थ्रू आप कैंसिल हुए, तो आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। उसके बाद ये इंश्योरेंस मिलेगी कब, सिर्फ और सिर्फ उस सिलसिले में जब आपका एम्प्लॉयर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, और टर्मिनेट किन बेसिस पे करती है कि अगर कंपनी के पास जी और काम नहीं है, मतलब कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर में लिखती है कि अब हमारे पास फर्दर और कोई काम नहीं है तो हम आपको दोबारा और रख नहीं सकते, तो आप फारिग हैं। तो जब आप टर्मिनेट हो जाएंगे फिर वो कैंसिलेशन पेपर जो है वो आप दुबई इंश्योरेंस जो है जिस भी कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाई हुई है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस इंश्योरेंस के अंडर हैं, ओरिएंट इंश्योरेंस, दुबई इंश्योरेंस, कमान, काफ़ी सारी इंश्योरेंस हैं, उस इंश्योरेंस से आप अपनी कैंसिलेशन उसको सेंड करेंगे, वो उस कैंसिलेशन को रिव्यू करेंगे, लेबर से चेक करेंगे कि इसके पीछे कुछ कोई केस तो नहीं है या वाकई ओरिजिनल कैंसिलेशन है, उसके बाद जो है वो आपको कंपनसेशन देंगे। जो 5 दिरहम वाली कंपनसेशन है वो 10,000 दिरहम, और ये आपको 1 महीने के अंदर अंदर करना है, अपनी कैंसिलेशन के 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है। आपको 10,000 जो है वो मंथली दिया करेंगे, जिसका 5 दिरहम का प्रीमियम है, और जिसका 10 दिरहम का प्रीमियम है उसको 20,000 पर मंथ देंगे, और नेक्स्ट 3 मंथ तक देंगे, उसके बाद जो है वो आपको ये पैसे नहीं देंगे। अब ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इनका तो पता नहीं है, लेकिन ये जो है वो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। और इसका भी फ़िलहाल कोई लिंक जो है वो लेबर इश्यूज़ के साथ नहीं है, यानी कि अगर आप नहीं करते तो शायद आपका लेबर फ़ाइन बढ़ेगा या इमिग्रेशन फ़ाइन बढ़ेगा, फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन
आने वाले वक्त में जून के बाद शायद इसको इंटरकनेक्टेड करते हैं लेबर के साथ, जैसे हम लेबर में ऑलरेडी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो शायद उसके साथ इसको कनेक्ट कर दें। अभी जो इसको करना कैसे है, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको जो सबसे आसान तरीका है उसकी एप्लीकेशन जो है, जिस एप्लीकेशन से हम पे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। लेकिन इसके चार पांच तरीके हैं। आपके पास अगर डू एप्लीकेशन है जैसे आप अपनी सिम, अगर आपके पास पोस्ट पेड है उससे कर सकते हैं, इतिसला से कर सकते हैं, ये जो मोबाइल टॉप अप करने की मशीन जगह जगह पर लगी हुई है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकी अपनी दुबई इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है उससे कर सकते हैं। तो जो दुबई की अपनी एप्लीकेशन है उसका मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के आखिर में, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो है वो इंश्योरेंस कैसे बाय करनी है। बड़ा इजी तरीका है, उसके लिए आप जो है वो लॉग इन करेंगे अपनी एमएस आईडी से और ऑटोमेटिकली आपका शो हो जाएगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उस बैलेंस बेसिक सैलरी के हिसाब से प्रीमियम भी शो हो जाएगा जो आपने पे करना है और ईजीली आप पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी चीज़ है, आपको डिले किए बगैर एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से मिल गई है अगर, तो आपको चाहिए कि इसको आप टाइमली पे कर दें। और बाकी इंशाल्लाह आपको नई नई न्यूज़ देते रहा करेंगे साथ साथ, जो भी नई न्यूज़ आएगी अगर तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो मेरे चैनल को भी आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। और जो मेरे ब्लॉग्स वाली वीडियोज़ हैं या मेरे ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि गैप इसलिए आ गया कि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर आप जो लोग हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो फिर मेरा दिल जो है एक दफ़ा ऊपर जाता है, किसी वीडियो के अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे कम व्यूज़ आते हैं, फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरह अप डाउन ओपन चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंजक्टिव जो हो वो रहूँ और आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँ और इंटरटेनमेंट की वीडियो भी देता रहूँ। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इंशाल्लाह उम्र की इन्फॉर्मेशन है और एक और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अच्छा जी, इंश्योरेंस के लिए आप ऐप स्टोर में जाएं, ऐप स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे लिखें दुबई इंश्योरेंस और सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगी ILOE वाली, इसको ओपन कर लें, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद प्राइवेट जो है उसको सिलेक्ट करें, अपनी एमरस आईडी नंबर डालें या UID कर लें या और उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें और OTP रिसीव करें। OTP रिसीव होने के बाद यहाँ पर आप जब OTP डालेंगे तो इसमें लॉग इन हो जाएंगे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में लॉग इन होने के बाद, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंश्योरेंस ली हुई है तो क्या नज़र आएगा ये नेक्स्ट जो है ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी ली हुई है तो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन आएंगे, 1 month, 3 month, 2 month, कोई भी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे एक ऑप्शन आएगा, उसको एप्पल पे से या अपने कार्ड से आप ख़रीद सकते हैं और आपकी ईमेल में जो है वो आपका सर्टिफिकेट इंश्योरेंस का आ जाएगा, वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।